हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 13 और 14 जुलाई का कंबाइंड करंट अफ़ेयर्स लेके आया हूँ यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें क्योंकि बच्चे यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं ठीक है चलिए पहले हम पिछले क्लासेस का रिविज़न कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत पद के लिए नॉमिनेट किया है वो कहाँ के थे वो थे लॉस एंजलिस के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडन ठीक है किस पार्टी के हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं चुनाव चिन्ह क्या है डंकी चल नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के आई सी ही टू उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है यह है नासा किस देश का है ये भी अमेरिका का है भारत का नाम क्या है वो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तीसरा है हमारा भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबाड़ी रेंज में मकड़ियों की दो नई प्रजातियां पाई गई है कहाँ पे पाई गई हैं आसाम में पाई गई हैं दो प्रजातियों की खासियत क्या है एक प्रजाति यह है कि वो जो है बिल में रहती है और दूसरी जो है वो कुदक्ती रहती है नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है किसने जारी किया है ऑक्सफैम ने जारी किया है इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है कहाँ का जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है इसकी स्थापना कब हुई थी 1935 में हुई थी इनमें से किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से तीन साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है, है, है? तो है, है। चलिए हमारा हो गया रिवीजन अब हम आज की क्लास कर लेते हैं देखिए यूरोपियन संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है आंसर है कोविशील्ड इसमें क्या है कि यदि आपको यूरोप में जाना है तो आपको टीका लगवाना पड़ेगा तो उन्होंने भारत के जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड उसको मान्यता दी है यदि आपने कोविशील्ड लगवाया है तो आप यूरोप में जा सकते हैं ठीक है इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं देखिए पंद्रह यूरोपियन संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए भारत की कोविशील्ड को मान्यता दी है कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस देश में बनती है तो देखिए पी फाइजर वैक्सीन है जो कि अमेरिका की है को वैक्सीन है जो कि इंडिया की है कोविशील्ड वो भी इंडिया की है मॉडर्ना वैक्सीन वो भी यूएसए की है स्पुटनिक वी वैक्सीन वो भी रसिया की है एस्ट्राजेनेका वो भी यूके की है ठीक है ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन के नाम थे जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अब मैं आपको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में समझा देता हूँ आखिर यूरोपियन यूनियन क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है उसको समझने के पहले पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ इसका मैप कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा दूँ यह है यूरोपियन यूनियन ठीक है यूरोपियन यूनियन में कई सारे देश हैं वो कई देशों का समूह है जैसे कि पुर्तगाल हो गया स्पेन हो गया फ्रांस लग्जमबर्ग बेल्जियम नीदरलैंड डेनमार्क जर्मनी पोलैंड इटली आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम स्वीडन स्टोनिया लेथविया लिथेनिया ये सारे कंट्रीज हैं किसके हिस्सा हैं ये ये सारे के सारे जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के हिस्सा हैं ठीक है थीके? अब हम थोड़ा सा हम समझते हैं इसको विस्तार से असल में है क्या देखिए इन यूरोपियन यूनियन में एक सेंजन एग्रीमेंट साइन हुआ है एक सेंजन समझौता साइन हुआ है ये सेंजन समझौता क्या है 1985 में सेंजन समझौता साइन हुआ उसमें टोटल 26 कंट्रीज हैं 26 देश हैं उसमें उसके तहत ये है कि कोई भी इस देश का नागरिक 26 देश में से कोई भी नागरिक जो है वो एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के बिना पास के वो जा सकता है मूव कर सकता है यानी कि रात में अगर आप ट्रेन से चल रहे हैं और फ्रांस में अगर आप सोए हैं तो सुबह आप जर्मनी में उतरेंगे इटली में उतरेंगे ऐसा हो सकता है कोई आपको रोकने वाला नहीं है इसे कहते हैं सेंजन एग्रीमेंट ठीक है उसको एक प्रॉपर इंटीग्रेट करने के लिए पूरे यूरोप को एक देश की तरह दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है अब यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं असल में क्या हुआ था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और विश्व युद्ध कारण क्या था क्योंकि जर्मनी और यूके के बीच में बहुत ही संघर्ष चलता था क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही राष्ट्रवाद दिखाते थे और राष्ट्रवाद की ही वजह से जो है कि मेरा कंट्री सुपीरियर है तुम्हारा कंट्री इन्फीरियर है इस वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ठीक है अब इस चीज़ को हमें ख़त्म करना था और पूरे यूरोप को हमें एक करना था इसलिए सबसे पहले क्या हुआ देखिए इसकी ओरिजिन को हम देखते हैं पहले आप ये देख लीजिए कि यूरोपियन यूनियन जो है 27 देशों का समूह है ठीक है और 19 देश यूरोपीय यूनियन के जहाँ यूरो एज ए कॉमन करेंसी चलता है जिसमें से स्विट्जरलैंड या यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं है यूके भी इसका हिस्सा नहीं है यूके कब इससे अलग हुआ है इकतीस जनवरी दो में इससे अलग हुआ है ठीक है अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया अब हमें चाहते थे कि यूरोप को एक करना तो एक हम सबसे पहला एफर्ट जो लगाए थे पहला प्रयास हमने किया था 1952 में उसमें हमने क्या किया था हमने जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हमने एक ग्रुप का एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ठीक है संधि तो के तहत तो ट्रीटी ऑफ पेरिस पेरिस के संधि के तहत जिसमें टोटल छह देश थे टोटल सिक्स कंट्रीज थे कौन कौन से बेल्जियम फ्रांस जर्मनी इटली लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ठीक है फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये बहुत ही सक्सेसफुल है और ये बहुत ही काम कर रहा है यूरोप इसे यूनाइट हो रहा है तो उन्होंने एक और मजबूत संगठन बनाया जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ठीक है ईई सी यह किस संधि के तहत बनाया गया था ये रोम के संधि के तहत बनाया गया था कब बनाया गया था नाइनटीन फिफ्टी में बनाया गया था ठीक है फिर उसके बाद और मजबूती बनती गई यूरोप और इंटीग्रेट होता गया तो फाइनली फाइनली 1992 में फाइनली 1992 में मासाट्रिस्ट ट्रीटी, मासाट्रिस्ट ट्रीटी ये साइन किया गया ये समझौता ये संधि की गई ठीक है कब हुआ था सात फरवरी 1992 में और 7 फरवरी 1992 को इसी संधि के तहत यूरोपीय यूनियन यूरोपियन संघ का जो है विकास हो गया यानी कि पहली बार यूरोपीय यूनियन बन के कब आया वो आया 7 फरवरी 1992 को ठीक है ये मास कहाँ पे है यह है नीदरलैंड में फिर उसके बाद 1992 के बाद फिर उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया यूरोपियन यूनियन तो बन गया था 1992 में ही लेकिन उसको थोड़ा सा सुधार किया गया है लिस्बन की ट्रीटी के तहत लिस्बन के संधि के तहत ठीक है उसमें कुछ सुधार किए गए हैं जैसे उसमें ह्यूमन राइट right जोड़ दिया गया है मानव अधिकार जोड़ दिया गया है कई सारी चीज़ें तो अब आपको समझ में आई यदि कभी लिस्बन समझौता आता है लिस्बन ट्रीटी आता है मासट्रिस्ट ट्रीटी आता है रोम की संधि आती है पेरिस्ट संधि आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन से ही जुड़े हुए हैं ठीक है अब देखिए अब आप यदि मैप देखेंगे अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे देखिए ये जो यूके है अब ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है ये पहले का मैप है इसलिए इसको ग्रीन दिखा रहा है अदरवाइज ये सारे कंट्रीज़ हैं इसके हिस्सा हैं टोटल कितने देश हैं टोटल 27 देश हैं जिसमें से 19 कंट्रीज़ में जिसमें से 19 देशों में कॉमन करेंसी चलती है यूरो और 26 ऐसे देश हैं जहाँ पर जो लोग हैं जो पीपल है वहाँ के सिटीजन आसानी से मूव कर सकते हैं ठीक है बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है तो कहाँ खोला गया है कौन ऐसा कर सकता है ऐसा दुबई ही कर सकता है क्योंकि जितने शॉकिंग वाली चीजें होती हैं आश्चर्य वाली चीजें होती हैं सारी दुबई में ही होती हैं तो आंसर इसका दुबई है ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है यह अंडर वाटर सिटी थीम पर पुल छः ओलंपिक पुल जितना बड़ा है जिसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है इस पुल में खाली अपार्टमेंट गैराज के अलावा इंडोर गेम्स की सुविधा और 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी है आप समझ सकते हैं पूरा एक शहर बनाया गया है इस पुल के अंदर इस थीम पे बेस्ड है वो देखिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैप में कि ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं कि ये पूरा सऊदी पेनिनसुला है जैसे इंडियन पेनिनसुला है ना उसी तरीके से सऊदी पेनिनसुला है जिसमें छोटे छोटे देश हैं तो ये बहुत बड़ा ये सऊदी अरेबिया है जिसमें से मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए जिसमें से ये है यमन क्या है यह ये है यमन ये यह ये है ओमान ये है कौन सा देश है यह ओमान देश है यमन आपको पता है बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे सिया सिया लोग हैं और सऊदी अरबिया सुनी लोग हैं तो दोनों में हमेशा सिविल वॉर चलता रहता है ठीक है चलिए फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप ये है यूनाइटेड अरब इमीरात ये है यूनाइटेड अरब इमीरात जिसकी राजधानी ये देख सकते हैं आप अबू धाबी है ठीक है ये है कतर ये देखिए यह ये कतर यह बहरेन यह कुवैत यह ईरान यह पाकिस्तान और यह है इंडिया ठीक है तो आप इतना देख सकते हैं ये सारे बहुत ही छोटे देश हैं सऊदी अरेबिया इसमें सबसे बड़ा है चलिए अब थोड़ा सा यू के बारे में यूनाइटेड अरब इमारात के बारे में हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे राजधानी राजधानी अबू धाबी है सबसे बड़ा शहर दुबई है राष्ट्रपति वहाँ के खलीफा बिन जैद अल नहयान है यूके से आज़ादी कब मिली दो दिसंबर 1971 को मिली है करेंसी दिरहम है यूएई में एक भी रिवर नहीं है वहाँ पे एक भी नदियाँ नहीं हैं ठीक है फिर उसके बाद यूएई एक ऐसा देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मंत्री अपॉइंट किया है ठीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक आ, मिनिस्टर एक मंत्री अपॉइंट किया है नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है कहाँ पे की गई है पटना की की गई है ठीक है पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि जो डॉल्फिन है आपको पता है कि डॉल्फिन अब खतरे में आ गई है क्योंकि जो नदियाँ हैं या तो वहाँ पे डैम बनाए जा चुके हैं या फिर वहाँ पे बोट लगे हुए हैं नेट लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो जो डॉल्फिन है वो फंस जाती है और मर जाती हैं उसकी वजह से जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करके टाइगर का हम जनसंख्या बढ़ा दिए सेम उसी प्रकार से प्रोजेक्ट डॉल्फिन होगा जिसमें डॉल्फिन बढ़ाया जाएगा ठीक है देख लेते हैं बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है इस केंद्र का खुलना लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली थी ठीक है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ ये जो डॉल्फिन है जो गंगा नदी में बहती है क्या वो खारे पानी की है क्या वो मीठे पानी की है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए चलिए थोड़ा सा बिहार के बारे में देख लेते हैं राजधानी पटना है डिस्ट्रिक्ट थर्टी है गवर्नर फाकू चौहान चो, है मुख्यमंत्री नीतीश चौहान है नीतीश कुमार है उप मुख्यमंत्री कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो हैं एक रेणु देवी हैं एक तार किशोर प्रसाद हैं वहाँ की विधानसभा सीट वहाँ आप देख सकते हैं कि दो हैं विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा की सीट है टू विधान परिषद के हैं 75 सीटें हैं उसके अलावा राज्यसभा की आप देख सकते हैं सिक्सटीन सीटें हैं लोकसभा के फोर्टी सीटें हैं बिहार के फेमस डांस कौन कौन से हैं जता जतीन बखो बखेन पनवरिया साम चखवा और विदेशिया ये वहाँ के नित्य कला हैं चलिए अब देख सकते हैं बिहार का ये मैप है ये उत्तर प्रदेश है ये झारखंड है ये वेस्ट बंगाल है इधर नेपाल से टच होता है आप देख सकते हैं क्योंकि जो नेपाल का बॉर्डर है ना जो नेपाल का बॉर्डर है तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलन यहाँ पे शादी होती हैं नेपाली और यहाँ पे जो बिहार के लोग हैं ना इनके बीच में तो यहाँ पर मैरिज अलायंस बहुत ज़्यादा है इसलिए नेपाल का रिश्ता भारत से बहुत मजबूत हो जाता है इस वजह से भी चलिए आगे हम देखते हैं अब नेपाल में जो फेमस नदियाँ हैं कौन कौन सी कोसी गंगा गंडक कमला पनार पुनपुन वहां के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से वाल्मीकि नेशनल पार्क राजकीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है नेबरिंग स्टेट किन राज्यों से टच होता है झारखंड उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल चलिए तो ये हो गया हमारा आगे हम बढ़ते हैं निम्न में से किससे ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एल सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है तो किसने किया है नितिन गडकरी ने किया है नितिन गडकरी हमारे कौन है कौन से मंत्री हैं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ठीक है देखिए श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एल सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है इस संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्वपूर्ण पर जोर देना है ठीक है चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं मंत्रियों के बारे में कौन कौन सा मंत्री है नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और फिर उसके बाद अश्विनी वैष्णव के बाद तीन मंत्रालय है रेल मंत्रालय संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ठीक है मैं आपको बता दूं इस समय जो अश्वनी वैष्णव है उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसके बाद हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं तो देखिए वो है पहले अरबपति आप समझ सकते हैं कि अरबपति होने के बावजूद वो जो है स्पेस में गए हैं और प्रॉपर स्पेस में जाने के बाद वापस वो लैंड पे भी आ गए हैं ठीक है ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए हैं उन्होंने वस यूनिटी विशेष रूप से वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष विमान पर सवार होकर न्यू मैक्सिको में एक बेस से उड़ान भरी है वी एस एस यूनिटी पर सवार इस छः सदस्यीय दल ने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अंतरिक्ष में लगभग एक घंटा बिताया था अब मैं आपको बता दूँ ये तो बिलेनियर हैं यह आम नागरिक के लिए भी खुल जाएगा यदि आप स्पेस में जाना चाहते हैं टूर करने के लिए इसे स्पेस इस टूरिज्म का नाम दिया जा रहा है स्पेस पर्यटन का नाम दिया जा रहा है तो आप कर सकते हैं आपको अच्छा खासा पैसा देना होगा और आप स्पेस में जा ऐसे घूम सकते हैं चलिए फिर उसके बाद देखते हैं इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल एकल का फाइनल जीत कर विम्बलिंगटन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है ठीक है आंसर क्या है तो आंसर है एसले बाटी आंसर क्या है एसले बाटी इसका आंसर है आप देख सकते हैं यह है एसले बाटी ये है एसले बाटी इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं महिला एकल फाइनल में कैरिना पिसकोवा को छः तीन छः सात और छः तीन से हरा कर हाल ही में एसले बाटी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है बाटी ने इससे पहले साल 2019 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था इसके साथ ही वे इकतालीस वर्ष के बाद विम्बलिंडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं कहाँ की हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं देखिए बच्चों अब जितने भी ये ओपन होते हैं ना फ्रेंच ओपन विम्बलिंडन ओपन यूएस ओपन इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं जैसे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कोई कन्फ्यूज़न ना रहे देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए आप देख सकते हैं इवेंट कौन कौन सा है तो चार मेन इवेंट होता है एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन एक है फ्रेंच ओपन विम्बलिंडन ओपन और यूएस ओपन ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये जनवरी के मिड में होता है ठीक है फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई के लेट में और जून के पहले में होता है पहले वीक में विम्बलिंडन ओपन जो है वो जून के लास्ट में जुलाई के पहले में होता है यू एस ओपन जो है वो अगस्त के लास्ट में सितंबर के पहले होता है ठीक है ये तो हो गया किस समय ये कब होता है अब कहाँ कहाँ होता है तो ये मेलबर्न में होता है फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है वेमलेंडर लंडन में होता है और यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में होता है ठीक है अब देखिए इसका सरफेस कैसा होता है जहाँ पे वो प्लेयर खेलते हैं उसका सरफेस कैसा होता है ठीक है तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड सरफेस पे खेलते हैं यानी कि कंक्रीट का होता है सीमेंटेड का होता है वो उसका सरफेस हार्ड होता है ठीक है जो फ्रेंच ओपन वाले होते हैं जो फ्रेंच ओपन में खेला जाता है वो मट्टी का कोर्ट होता है मट्टी का मैदान होता है ठीक है वो मट्टी के मैदान में खेलते हैं विम्बलिंगडन ओपन जो है ओपन जो है वो ग्रास के मैदान में घास के मैदान में खेलते हैं और यू ओपन जो है वो हार्ड जो कोर्ट होता है वहाँ पर खेलते हैं ये तो हो गया इसके बारे में ओपन के बारे में अब हम देख लेते हैं कौन करेंट चैम्पियन है तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवोक डिजोविक मेन्स सिंगल्स में फ्रेंच ओपन में भी नोवोक डिजोविक विम्बलिंडन ओपन में भी नोवोक डिजोविक यानी कि इस बार नोवोक डिजोविक ही बने हैं ठीक है और यूएस ओपन में डोमिनिक थीम कौन है डोमिनिक थीम उसी प्रकार से वुमेन सिंगल्स में कौन कौन है वुमेन सिंगल्स में नोमी ओसाका है ठीक है जो कि जापान की है फिर फ्रेंच ओपन में बड़ा बर बड़ा है और विम्बलिंडन ओपन में एसलेक बाटी हैं जो अभी हमने देखा ये ऑस्ट्रेलिया की हैं यूएस ओपन में नोवमी ओसाका है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है प्लस इसके बारे में और मैंने डिटेल में दे रखा है मेंस डबल वुमेंस डबल मिक्स डबल्स ये आप देख लीजिएगा अपने से ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आप मुझे इसे बता सकते हैं विम्लिंडन दो का खिताब जीत कर नोवुक दुज, डिजोविक ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है कौन सा किया है वो बीसवा किए हैं कौन सा ओपन जीते हैं विम्लिंडन ओपन जीते हैं ठीक है चलिए कहाँ ये तो ये हैं सर्बिया के सर्बिया के नोवोक डिजोविक ने हाल ही में विम्बलिंडन 2021 का खिताब जीतकर बीसवां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के माटोवा बरेटेनी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है वर्ष 2021 में अभूतपूर्व जीत हुई है और जोकोविच के लिए यह तीसरी ग्रैंड स्लैम जीत है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए वे ब्लेंडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है ठीक है ये कौन है ये भारतीय मूल के हैं यही आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है समीर बनर्जी ठीक है इनका नाम है समीर बनर्जी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हाल ही में इतिहास रचते हुए विबलंडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है उन्होंने फाइनल मुकाबले में हमवतन क्विटर लिलोवो को सीधे सीटों में सात पाँच छे तीन से हरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है इसके साथ ही वे रोजर फेटर स्टीफन एडबर्ग गेल मोफिल्स जैसे दिग्गजों के एलिय ग्रुप में शामिल हो गए हैं ठीक है कहा के वह भारतीय मूल के अमेरिकन है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को तीन हजार तीन सौ तेईस करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है कहाँ पे किया है तो उड़ीसा में किया है ठीक है अब जल जीवन मिशन क्या है देख लीजिए जवल जल जीवन मिशन असल में है क्या कि ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित तो और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है यानी कि 2024 तक जो है हर घर नल और हर घर पानी हो यह व्यवस्था की जा रही है किसके तहत जल जीवन मिशन के तहत देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत उड़ीसा राज्य को तीन हज़ार तीन सौ तेईस करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है जो कि दो हज़ार बीस इक्कीस में आठ सौ बारह पॉइंट वन फाइव करोड़ रुपए था दो हज़ार उन्नीस में मिशन की शुरुआत में देश के कुल अठारह पॉइंट नाइन थ्री करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल थ्री पॉइंट टू थ्री करोड़ के पास ही नल के पानी की आपूर्ति थी ठीक है चलिए कब ये मिशन स्टार्ट किया है दो हज़ार उन्नीस में स्टार्ट किया गया है चलिए अब थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में हम देख लेते हैं देखिए इसको राज्य का दर्जा स्टेटहुड का मिला एक अप्रैल नाइन्टीन को कैपिटल राजधानी और लार्जेस्ट सिटी कौन सा है भुवनेश्वर है डिस्ट्रिक्ट थर्टी है गवर्नर गणेशी लाल हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विधानसभा सीट 147 लोकसभा सीट 21 राज्यसभा सीट 10 हैं मुख्य न्यायाधीश वहां के जस्टिस एस मुरलीधर हैं उड़ीसा में फेमस डांस कौन कौन सा है उड़ीसी जो कि क्लासिकल डांस है उसके बाद सवारी घुमरा पैनका मुनारी और छाऊ ये सारे जो हैं नृत्य कला हैं उड़ीसा के इसके बाद कुछ उड़ीसा के और न्यूज़ आए हुए हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की पांच प्रमुख इस्पात स्टील मेकिंग निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दी है ठीक है उड़ीसा सभी जिलों में निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी स्थापित करेगा उड़ीसा डब्ल्यू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है अब डब्लू क्या है तो इसका फुलफॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ है रोम इटली में स्थापना कब हुई नाइन्टीन दुनिया में जितने भी फूड से रिलेटेड कार्यक्रम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही देखता है ठीक है फिर उसके बाद है उड़ीसा मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य है बंगाल की खाड़ी से टकराएगा या चक्रवात जो कि उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से टकराया था उड़ीसा ने गोप बंधु संबीतक का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया उड़ीसा ने लॉन्च किया मास्क अभियान ये सारे उड़ीसा के बारे में हैं इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं तो ब्राह्मणी सलनादी इंद्रावती महानदी वसुंधरा कोलाब और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है शिमला पाल नेशनल पार्क भित्तिकनिका नेशनल पार्क महानदादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से राज्य टच होते हैं तो वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये सारे टच होते हैं बच्चों देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये दो दिन का कंबाइंड करंट अफ़ेयर्स है ठीक है चलिए निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है तो किसने जीता है तो देखिए इटली फुटबॉल टीम ने जीता है ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं इटली फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो 2020 का खिताब जीता है मैच के दौरान निर्धारित समय में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर रहीं इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में इटली ने इंग्लैंड को तीन दो से पराजित किया है इस यूरो को यू ई एफ एरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप भी कहा जाता है ठीक है ये फुटबॉल का चैम्पियनशिप है जो कि यूरोप में होता है अब देख लेते हैं कहाँ हुआ था देखिए होस्ट कंट्रीज जो थी कहाँ पे हुआ था तो टोटल 11 कंट्रीज़ में हुआ था ठीक है कब से 11 जून से लेकर 11 जुलाई तक टोटल 24 टीमें थी ठीक है वेन्यू टोटल 11 थे क्योंकि 11 होस्ट कंट्री थी इसलिए ग्यारह जगहों पर हुआ था ठीक है अब कौन जीता है कौन हारा हम ये देख लेते हैं देखिए फाइनल पोजीशन चैंपियन कौन रहा इटली रहा किसको हराया इंग्लैंड को हराया टोटल मैच कितने खेले गए 51 खेले गए ठीक है टोटल गोल कितने स्कोर हुए 142 फोर्टी टू टॉप स्कोरर कौन रहे तो पुर्तगाल के क्रिस्टानो रोनाल्डो और चेक रिपब्लिक के पैट्रिक सीचिक रहे दोनों ने पाँच पाँच गोल बनाए थे बेस्ट प्लेयर किसको मिला है इटली के ग्ञानोलूगी डोनो रूमा को मिला है बेस्ट यंग प्लेयर कौन है स्पेन के पेटरिक ठीक है चलिए आगे अब देखते हैं हम इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-23 की घोषणा की है किसने की है उत्तर प्रदेश ने की है चलिए अभी ये लागू नहीं हुआ है अभी ये ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहा है अभी लॉ कमीशन ने इसको बोला है कि हम ऐसा ड्राफ्ट बनाएंगे ठीक है ये कब लागू होगा ये उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है जिसके तहत यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रक विधेयक 2021 पेश किया गया है साथ ही बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं अब यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस विधि आयोग को सुझाव दे सकते हैं ठीक है चलिए यूपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं राज्य कब बना 24 जनवरी 1950 राजधानी लखनऊ है गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं मुख्यमंत्री योगी आदितना योगी आदित्यनाथ हैं डिप्टी उप मुख्य उप मुख्यमंत्री कौन है तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है वहाँ पे विधानसभा और विधान, विधान परिषद दोनों हैं विधानसभा सीट विधानसभा सीट 403 है विधान परिषद सीट 100 है, है। राज्यसभा सीट 31 है लोकसभा सीट 80 है उत्तर प्रदेश के जो फेमस डांस फॉर्म है वो है नौटंकी रासलीला कजरी झोड़ा चपेली और जैता ये वहाँ के नृत्य कला है डांस फॉर्म है उसके अलावा यूपी में बहुत सारे अद, अदर न्यूज़ भी हैं वो भी हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश ने माइक माइको माइकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया उत्तर प्रदेश ने छात्रों शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया तेरह मार्च दो को उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क के किनारे की धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है ग्यारह मार्च दो को उत्तर प्रदेश बना पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में ठीक है इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो फेमस रिवर्स हैं वह हैं गंगा यमुना सरयू गोमती रामगंगा वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कुंगल दुधवा नेशनल पार्क किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कटरनीघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये हैं नेबरिंग स्टेट किस राज्यों से टच होता है तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार ठीक है चलिए तो ये हो गया यूपी के बारे में प्लस आप यूपी का देख सकते हैं यहाँ पे मैप दे सकते हैं यहाँ पे यह है यूपी है यहाँ पर यह है उड़ीसा है और ये आपका आसाम है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि मैं जल्दी से कंप्लीट कराने के लिए आपको मैंने दे दिया वन लाइनर फैक्ट्स हाल ही में किसने नौसेना के संपत्ति के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है तो किसने लगाया भारतीय नौसेना ने लगाया ठीक है निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के भीतर शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है तो नेपाल में दिया गया है ठीक है नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जल्दी से वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाए प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर पी के वरियर का हाल ही में किस राज्य में सौ वर्ष के आयु में निधन हो गया कहाँ के थे वो तो केरल के थे ठीक है भारतीय तैराक सजन प्रकाश टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं तो ये पहले तैराक बन गए हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट एक लास्ट है हमारा उद्योगपति एम एन एन एस श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद दूत नियुक्त किया किया गया गया है तो कर्नाटक का किया गया है ठीक है तो यहां पे हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता दूं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहा भेजा गया है तो रंगून में भेजा गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित रखा है तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा है ठीक है चलिए अब आपके लिए एक आज का क्वेश्चन है डरबी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो ये आपके पास ऑप्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस लेखक ने द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी है चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका आंसर है तो बच्चों यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है ये दो दिन का कम्बाइंड था और मैंने बहुत कोशिश किया है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए प्लस मैंने बहुत कोशिश किया है आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने के लिए भी इसके अलावा मैंने भी ये भी कोशिश किया है कि आपको बाइलिंग्वल समझ में आए इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने देने की कोशिश की है ठीक है बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं यदि कोई सुझाव देना है वो भी मुझे आप बता सकते हैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच